हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सी एम ए अंशिका त्यागी। और आज के इस वीडियो में कुछ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे जो न्यू स्टूडेंट हैं जो सी एम ए में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर जो ग्रेजुएटेड हैं और वो फाउंडेशन के थ्रू एडमिशन न लेकर बीकॉम वो ग्रेजुएटेड हैं तो वो डायरेक्ट एंट्री लेना चाहते हैं इंटरमीडिएट में। सो ये वीडियो उन लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाली है जो फाउंडेशन में डायरेक्टली ट्वेल्थ के बाद एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर जो ग्रेजुएटेड हो चुके हैं और डायरेक्टली सी एम ए इंटरमीडिएट में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो उनके लिए मैं सबसे पहले इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, फाउंडेशन कोर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, मतलब कि फाउंडेशन कोर्स में आप कब एडमिशन ले सकते हो, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स पहले से प्रिपेयर करके रखना होगा, और उसके फीस स्ट्रक्चर के भी बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर हम फीस स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस इसी वीडियो में करेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, बट वी विल चेक इट आउट। अगर वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हुई तो हम यहीं पर उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। दूसरा, आपको कब अप्लाई करना चाहिए, कहाँ आपको अप्लाई करना चाहिए, इन तीन क्वेश्चन का हम यहाँ पे आंसर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं कि अगर आप फाउंडेशन लाइक आप ट्वेल्थ करके आए हो तो आप ट्वेल्थ करके आए हो, बेसिकली नॉर्मली ट्वेल्थ करने के बाद ही करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो क्राइटेरिया दिया हुआ है बड़ा शॉकिंग क्राइटेरिया है कि आप टेंथ के बाद भी एलिजिबल हो जाते हो एडमिशन लेने के लिए। सो फाउंडेशन कोर्स में एलिजिबिलिटी क्या है एडमिशन की, वो ये है अ कैंडिडेट शुड हैव पास्ड क्लास टेंथ और इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बॉडी और इंस्टीट्यूशन। अगर किसी स्टूडेंट ने 10th क्लास भी पास करी हुई है तो वो भी एलिजिबल है एडमिशन के लिए। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि इंस्टीट्यूट की साइट पर लिखा हुआ है, इसलिए मैं कोई कंटेंट अपनी तरफ से नहीं लेके आती हूँ, सारा कंटेंट मैं इंस्टीट्यूट की साइट का ही दिखाती हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग अवेयर रहो कि कुछ आप लोगों को झूठ ना लगे। तो ये इंस्टीट्यूट की साइट पर लिखा हुआ है साफ साफ कि कोई कैंडिडेट अगर किसी ने पास कर लिया है 10th स्टैंडर्ड और या फिर इक्विवेलेंट कोई ऐसी डिग्री पास करी है किसी रिकॉग्नाइज्ड बॉडी से या इंस्टीट्यूशन से, तो वो अलाउड है फाउंडेशन में एडमिशन लेने के लिए। यहाँ पे हम फाउंडेशन की बात करें, दैट इज़ एंट्रेंस एग्जाम जो है सीएमए का उसमें, या फिर पास्ड वो स्टूडेंट्स जिसने 12th के एग्जाम को पास कर लिया है किसी रिकॉग्नाइज बॉडी से और एग्जाम रिकॉग्नाइज बाई या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो कुछ एग्जाम्स कराती है बीच बीच में, अगर वो एग्ज़ाम आप पास कर लेते हो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एग्जाम पास करा या फिर हैज़ पास्ड नेशनल डिप्लोमा इन कॉमर्स एग्जामिनेशन हेल्ड बाय ऑल इंडिया काउंसिल्स फॉर टेक्निकल एजुकेशन और एनी स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। बेसिकली मैंने तो कभी एग्जाम्स नहीं दिए हैं, तो अगर किसी स्टूडेंट ने जो ये वीडियो देख रहा हो उन्होंने अगर कोई ऐसा एग्जाम दिया है, भले ही आपने ट्वेल्थ ना करी हो लेकिन आपने ये एग्जाम्स क्लियर कर रखे हैं, तो आप लोग एलिजिबल हो सीएमए के फाउंडेशन एग्जाम में एडमिशन लेने के लिए। और डिप्लोमा इन द रूरल सर्विसेज एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन, इनकम्बेंट्स वेटिंग फॉर द रिजल्ट कैन अप्लाई फॉर प्रोविजनल एडमिशन। सो जो जिनका रिजल्ट अभी वेटिंग में है वो भी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, प्रोविजनल एडमिशन उसको कंसिडर करा जाएगा। अगर आपका बाई चांस, अभी तो ऐसा होता नहीं है कि कोई फेल हो जाए, बहुत कम ऐसा रिजल्ट होता है, लेकिन अगर कोई फेल भी हो जाता है तो शायद आपका फिर उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, प्रोविजनल रखा एडमिशन आपका लिया नहीं जाएगा पूरा, पर प्रोविजनल बेसिस पर आपका एडमिशन रखा जाएगा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि फीस स्ट्रक्चर क्या होता है। फीस के बारे में उन्होंने यहाँ पे बेसिकली हम पहले डिस्कस करते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होने चाहिए सीएमए इंस्टीट्यूट में अप्लाई करने से पहले। तो कॉस्ट आपको प्रस्पेक्टस खरीदना होता है 250 रुपये, उसकी कॉस्ट होती है 250 रुपीज़। डॉक्यूमेंट्स जो है आपको एप्लीकेशन के साथ जो इंक्लोज करने हैं वो ये डॉक्यूमेंट्स आपको इंक्लोज करने हैं, ये तीनों चीज़ें आपको रखनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, वो मैं आपको पूरा समझाऊंगी, तो उस वीडियो के लिए वेट करो और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बेल आइकन दबा लो ताकि आप लोगों को सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहा करें, क्योंकि मैं पूरी इंस्टीट्यूट की साइट को खंगाल कर जो ऐसी नॉलेज है जो आज तक बच्चों को नहीं पता है, इवन कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो मुझे आफ्टर बिकमिंग अ क्वालिफाइड सी हमें मुझे भी कुछ चीज़ें नहीं पता है। लाइक ये 10th वाला शॉकिंग था मेरे लिए, क्योंकि मैंने तो 12th के बाद स्टार्ट किया, अगर मेरे को पता होता 10th के बाद भी होता तो मैं ऑब्वियसली इसी 10th के बाद ही अप्लाई करती थी इस चीज़ के लिए। खैर जो भी था, अब हम बात करते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे अभी तक नहीं पता, मैं क्वालिफाइड हो गई हूँ लेकिन कुछ चीज़ें साइट पे ऐसी हैं, तो मैंने स्टार्ट करा है प्रोसेस कि इंस्टीट्यूट की साइट पे जितनी भी चीज़ें हैं जो बच्चे सीएमए कर रहे हैं उनको सब कुछ पता होना चाहिए। सो मैंने ये सेशन स्टार्ट करा है सीएमए स्टूडेंट्स के लिए, बेसिकली उनके लिए हेल्पफुल होगा होपफुली। सो आप लोग बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि सारी वीडियोस का आपको अपडेट होता रहा करे। सो कॉस्ट ऑफ प्रोस्पेक्टस आपकी 250 रुपये लगेगी। ऑनलाइन आप एडमिशन ले सकते हो, ऑनलाइन का प्रोसेस क्या होगा वो आपको मैं बताऊंगी अगले उसमें। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं वो आप देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट आपको क्या रखने हैं, जो आपका 12th का
मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है वो आपको रखना है, टेंथ का सर्टिफिकेट मार्क्स का जो स्टेटमेंट होता है वो आपको रखने है, अटेस्टेड कॉपी, और अटेस्ट किससे करवाना है वो भी नीचे लिखा हुआ है जो मेंबर है इंस्टीट्यूट के। आई एम ऑल्सो अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, सो मैं भी अटेस्ट कर सकती हूँ, बट की तो कोई बात नहीं है, अगर किसी को कराना है तो आप मुझसे करा सकते हो अटेस्ट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अटेस्टेड कॉपी रखनी है आपको ट्वेल्थ मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट की, ट्वेल्थ की, और अटेस्टेड कॉपी है टेंथ ट्वेल्थ की जो मार्क्स का स्टेटमेंट होता है, और तीन पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होंगे आपको, वन पेस्टेड ऑन एप्लीकेशन, वन पेस्टेड ऑन आइडेंटिटी कार्ड, एंड वन टू बी पेस्टेड अटैच विद द एप्लीकेशन। एक मतलब कि दो फोटो आपको एप्लीकेशन के साथ रखने हैं, और एक बेसिकली ये तो वो हो गया ना लाइक ऑफलाइन के लिए ये हो गया कि तीन फोटो देने हैं, ऑनलाइन में तो एक से ही काम चल जाएगा। खैर देखते हैं ऑनलाइन के प्रोसेस में वो कितने फोटोज़ को डिमांड करते हैं, उस पूरी वीडियो में हम देखेंगे कितने फोटोज वो डिमांड करें। अब ये बात करी गई थी कि अटेस्टेड कॉपी चाहिए उन लोगों को, तो अटेस्टेड क्या, अटेस्टेशन शुड बी बाय एनी मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और अ गजेटेड ऑफिसर और अ प्रिंसिपल ऑफ अ कॉलेज। सो इसमें ये है कि आप अटेस्ट करा सकते हो किसी मेंबर से, सीएम इंस्टीट्यूट के मेंबर से सब, बट बेटर होगा कि आप अपने जो कॉलेज के या आपके ऑफिस के जो प्रिंसिपल, आपके जो स्कूल के प्रिंसिपल थे, आप उनसे अटेस्ट कराओ। बेसिकली तो मार्कशीट अटेस्टेड होके ही आती है, फिर भी आप अटेस्ट अदर एक और अटेस्टेशन करा लेना सीएम इंस्टीट्यूट के किसी मेंबर से, या फिर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट होगी जिनके पास मेंबरशिप होगी उनसे करा लेना, या फिर कोई जो कंपनी सेक्रेटरी होते हैं उनसे आप अटेस्ट करा लें, सिर्फ साइन लगने होते हैं और कुछ नहीं है। फिर उसके बाद होते हैं इंटरमीडिएट कोर्स की अगर हम बात करें, तो फाउंडेशन का था, जो फाउंडेशन वाले थे उनके लिए वीडियो यहीं तक थी, अब इंटरमीडिएट वालों का स्टार्ट होता है। फिर भी अगर आप, क्योंकि फाउंडेशन के बाद आपको इंटरमीडिएट में जाना ही है, तो आप क्या क्या तैयारी करके रखनी है, आपके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हाँ फाउंडेशन वाले कुछ रुक जाओ, जो कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो बी कॉम वाले हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए मेन चीज़ यहाँ पर स्टार्ट होती है इंटरमीडिएट से, क्योंकि ये मत सोचना कि आपने बी कॉम कर लिया फिर भी आप फाउंडेशन के रूट से जा रहे हो, ऐसा मत करना। अगर आपने बी कॉम कर लिया है तो फाउंडेशन वाले रूट को अवॉइड करना, आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो इंटरमीडिएट लेवल में। सो वो क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है एडमिशन के लिए इंटरमीडिएट कोर्स में, आपने ट्वेल्थ के एग्जाम पास करे हुए होने चाहिए, प्लस आपने एंड लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, एक तो आपने ट्वेल्थ के एग्जाम पास करे होने चाहिए, प्लस फाउंडेशन कोर्स करा होना चाहिए। सो यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, अभी हम ऊपर पढ़ के आए थे फाउंडेशन वाले के लिए कि आफ्टर मतलब कि आप टेंथ के बाद भी फाउंडेशन में एनरोल कर सकते हो, तो मुझे नहीं लगता उस एनरोलमेंट का कोई फ़ायदा है और एग्ज़ाम देने का कोई फ़ायदा है, क्योंकि अगर मान लो आपने टेंथ क्लियर करी और आपने एग्ज़ाम दे दिया, फाउंडेशन का एग्ज़ाम दिया और आपको निकल गया एग्ज़ाम, क्लियर हो जाता है अगर आपका एग्ज़ाम, तो आपको फिर इंटरमीडिएट में आप कब ले सकते हो एडमिशन, जब आपकी ट्वेल्थ हो जाएगी, तो फ़ायदा क्या हो उसको करने का, ठीक है, तो उससे बेटर होगा कि ट्वेल्थ के बाद ही आप लोग जाओ। तो आपके पास ट्वेल्थ की डिग्री होनी चाहिए, प्लस आपने फाउंडेशन कोर्स को क्लियर करा होना चाहिए अगर आप फाउंडेशन के रूट से जा रहे हो तो, या फिर आप ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास, ठीक है, या तो आपके टेंथ की ट्वेल्थ की डिग्री कंपलसरी है, उसके साथ प्लस में क्या होना चाहिए, या तो आप फाउंडेशन क्लियर करा हुआ होना चाहिए, या देखो यहाँ पे स्लैश लगा हुआ है, स्लैश का मतलब है या तो फाउंडेशन करा होना चाहिए या ग्रेजुएशन करी हुई होनी चाहिए इन एनी डिसिप्लिन अदर देन फाइन आर्ट्स। फाइन आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, आपकी ग्रेजुएशन फाइन आर्ट्स में नहीं होनी चाहिए। अगर आप फाइन आर्ट के स्टूडेंट हो तो आप सीएमए में लाइक ग्रेजुएशन के थ्रू तो आपकी एंट्री नहीं है, आपको फाउंडेशन करना पड़ेगा। अदर देन फाइन आर्ट आप चाहे बीटेक से हो, एमटेक, बीटेक से हो, बीएससी से हो, बीसीए से हो, तो उस केस में आप ग्रेजुएशन के थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हो। मतलब ग्रेजुएशन का मतलब सिर्फ बीकॉम नहीं, ग्रेजुएशन का मतलब कोई भी ग्रेजुएशन लेवल जो होता है, लेकिन आप फाइन आर्ट के स्टूडेंट अगर रहे हो ग्रेजुएशन में तो आप डायरेक्ट एंट्री नहीं ले सकते हो इंटरमीडिएट में, आपको फिर फाउंडेशन क्लियर करना पड़ेगा। फाउंडेशन का ठीक है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी, या फाउंडेशन एंट्री लेवल वन होता है, पार्ट वन एग्जामिनेशन को, कैट का एग्जामिनेशन भी सीएम इंस्टीट्यूट कंडक्ट कराता है, वो आपने क्लियर करना होना चाहिए। ये तो एक्स्ट्रा की चीज़ें हैं, बाकी हम लोगों के लिए मेन जो है फाउंडेशन का कोर्स होता है या फिर ग्रेजुएशन वाला होता है, ठीक है, या फिर आपने पास करा होना चाहिए फाउंडेशन ICSI का। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो CS भी कर रहे होते हैं और CMA भी कर रहे होते हैं, तो हो सकता है उन्होंने पहले CS स्टार्ट करा हो, अब वो CMA भी करना चाहते हो, तो क्योंकि उन्होंने CS का फाउंडेशन ऑलरेडी क्रैक कर रखा है, तो देर इज़ नो नीड टू गिव द फाउंडेशन एग्जामिनेशन ऑफ CS इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने CS का फाउंडेशन क्लियर कर रखा है तो आप इंटरमीडिएट में डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो। उन्होंने ये भी बोल रखा है CS वालों ने अगर फाउंडेशन क्लियर करा हुआ है तब वो एलिजिबल हैं
सी एम ए इंटरमीडिएट एडमिशन के लिए, लेकिन अगर सी ए वाला कोई स्टूडेंट सी एम ए करना चाहता है तो ये ज़रूरी है कि उन्होंने सी ए का इंटरमीडिएट लेवल जो होता है लाइक आई पी सी सी लेवल के नाम से उसको पहले जाना जाता था, अभी इंटरमीडिएट हो गया है, वो वाला लेवल क्लियर होना चाहिए। जो फाउंडेशन के बाद का लेवल होता है फाउंडेशन भी क्लियर होना चाहिए, प्लस इंटरमीडिएट लेवल लाइक आई पी सी सी का, आई पी सी सी के बोथ ग्रुप भी क्लियर होने चाहिए अलॉन्ग विथ ट्वेल्थ स्टैंडर्ड, मतलब ट्वेल्थ स्टैंडर्ड फाउंडेशन प्लस आई पी सी सी का लेवल। अगर आपका सी ए का क्लियर है तब आप सी एम ए में डायरेक्टली इंटरमीडिएट लेवल के लिए एलिजिबल होते हो। फिर तीसरा उन्होंने बोला है, लिस्ट ऑफ अदर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस आर गिवन वाइड एन एग्जिस्ट 6 ऑफ प्रोस्पेक्टस, इनकम्पिटेंट वेटिंग फॉर द रिजल्ट कैन अप्लाई फॉर द प्रोविजनल एडमिशन। तो कुछ अदर ऐसे कोर्सेज भी हैं, कुछ ऐसी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस हैं, अगर आपने वो क्वालिफाई करें तो भी आपको सी एम ए इंटर में डायरेक्टली एडमिशन के लिए अलाउड हो, ठीक है। इस फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोस्पेक्टस जो है 250 रुपये वो तो चार्ज करते ही हैं वो लोग, फिर कैसे इंटरमीडिएट के लिए हमें अप्लाई करना है, उसका ऑनलाइन प्रोसेस क्या रहेगा, वो हम सब देखेंगे वापस से अपनी नई वीडियो में। सो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स आपको क्या प्रिपेयर करके रखने हैं, आपको पहले से मैं बता दूं, आपका ट्वेल्थ की मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट वो मांगेंगे आपसे, ट्वेल्थ का मार्कशीट मांगेंगे आपसे, अटेस्टेड कॉपी ऑफ डिग्री, अगर आप बी कॉम के थ्रू आ रहे हो तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आप फाउंडेशन के स्टूडेंट हो तो आपका तो जो फाउंडेशन वाला रिजल्ट होता है वो आपके लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। 3 पासपोर्ट साइज़ के वो आपसे वो मांग रहे हैं फोटोग्राफ्स, और वही अटेस्टेशन जो इंटर वालों के लिए फाउंडेशन वालों के लिए उन्होंने बोला था वही आपको ऐसे ही आपको अटेस्टेशन कराना है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस इज कि हमें अप्लाई कब करना है। तो जैसे मैंने आपको आपको बता दूं कि इंस्टीट्यूट के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो साल में 2 बार होते हैं, ईयर में 2 बार होते हैं, जून में होता है और दिसंबर में होता है। तो कोई बच्चा अगर जून में एडमिशन दे लाइक जून में उसने सोचा कि मैं जून में पेपर दूंगा, या फिर मान लो कि अभी आप अभी अभी आपने ट्वेल्थ के एग्ज़ाम दिए हैं और आप चाहते हो कि आप दिसंबर में सी एम ए का मतलब कि सी एम ए का एग्ज़ाम दो, तो आप क्या करोगे उस केस में, आपको आप चाहोगे कि आपका एडमिशन हो जाए, आपका रिजल्ट मान लो मई में आएगा तो मई, या तो आप जून के लिए भी सोच सकते हो क्योंकि उस टाइम में तो बीच में आप फ्री होते हो। फॉर एग्जांपल आपने सोचा कि मैंने ट्वेल्थ के एग्ज़ाम दे दिए, मई में आपके मार्च में आपके एग्ज़ाम खत्म हो गए, आपने सोचा जून का जो मेरा अटैम्प्ट आएगा मैं जून में अटैम्प्ट दूंगा, तो जून के लिए लास्ट डेट उन्होंने जो बताया कि आप जून में एलिजिबल एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल तभी हो सकते हो जब आपने 31 जनवरी तक अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया हो। तो जो बच्चे अभी ट्वेल्थ में हैं जो करना चाहते हैं सी एम ए और वो अपना एक दिन भी वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना ट्वेल्थ का स्टैंडर्ड का ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम तो दोगे, मार्च में वो एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते हैं, फिर उसके बाद आप मार्च ऑनवर्ड से अपनी सी एम ए की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो और जून में आप अपना फाउंडेशन का एग्ज़ाम दे सकते हो। वो कैसे दोगे, लेकिन उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि 31 जनवरी से पहले पहले आपको एडमिशन ले लेना है, तो आप एडमिशन करा लेना फिर अपने ट्वेल्थ के एडमिशन एग्ज़ाम दे देना, देन आप फाउंडेशन का एग्ज़ाम जून में दे देना। अगर आप दिसंबर के लिए जाते हो तो आपको 31 जुलाई से पहले पहले अपना एडमिशन कराना होता है, अगर एक दिन भी आप लेट करते हो तो फिर आपका अटेम्प्ट जो है वो दिसंबर से जून में शिफ्ट हो जाता है और जून से आपका दिसंबर में शिफ्ट हो जाता है। तो एक भी इन डेट को फिक्स कर लो अगर आप सी एम ए करना चाहते हो, तो इन दोनों डेटों को ध्यान में रखा करो। यही सी एम ए फाउंडेशन के लिए डेट फिक्स है कि अगर आप सी एम ए फाउंडेशन के जून के लिए जाना चाहते हो तो 31 जनवरी से पहले आपको एडमिशन कराना है, और अगर आप सी एम ए फाउंडेशन के दिसंबर अटैम्प्ट के लिए जाना चाहते हो तो आपको 31 जुलाई से पहले एडमिशन कराना है। सेम इंटरमीडिएट में भी है, अगर आप इंटरमीडिएट का कोई जून का एग्ज़ाम देना चाहते हो तो 31 जनवरी से पहले आपको एडमिशन कराना है, और अगर आप दिसंबर के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो तो 31 जुलाई से पहले आपको एडमिशन कराना है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस इज कि हमें अप्लाई कहाँ करना है। सो बेसिकली अभी पहले ऑफलाइन होता था, अभी सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप ऑफलाइन भी जा सकते हो ऑनलाइन भी जा सकते हो। जो ऑनलाइन लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं ऑनलाइन कराने के लिए ना कैफ़ेज़ में जाते हैं, तो आपको कैफ़े में पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी उस चीज़ को कर सकते हो। उसका पूरा प्रोसेस के लिए मैं वीडियो बनाऊंगी, आप वीडियो को चेक कर देना लेना, मतलब कि लाइक सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, तो सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको खुद आ जाया करेंगे। जो भी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा करेगी आप उसको खोल के देख लिया करना। सो आपको अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे उन्होंने शायद ऑफलाइन वाला लिखा हुआ है, ऑल स्टूडेंट्स शैल सबमिट देयर पोस्टल एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली साइन इन टुगेदर विद रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स एंड रेमिटेंसेस इन द रिस्पेक्टिव रीजनल काउंसिल्स चैप्टर्स ओनली। या तो ये भी हो सकता है कि जो आप प्रोस्पेक्टस खरीदते हो उसमें जो पीछे पेज आता है, जो फॉर्म आता है, उसको आपको फिल करके इंस्टीट्यूट को मतलब कि पोस्ट करना है
मतलब भिजवाने हैं सारे डॉक्यूमेंट्स हार्ड कॉपी में भी, और आप ऑनलाइन एडमिशन भी अप्लाई कर सकती हो। तो ऑनलाइन अप्लाई भी करोगे शायद आपको डॉक्यूमेंट्स इंस्टीट्यूट को भी प्रोवाइड कराने पड़ेंगे। तो भिजवाने कहाँ हैं, तो जिससे मैंने आपको पहली वीडियोज़ में अपना बता रखा है कि इंडिया में CMA के चार इंस्टीट्यूट मतलब कि चार रीजनल काउंसिल्स हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। और जो दिल्ली वाले बच्चे हैं उसमें यहाँ पे इन्होंने एरिया भी कवर करा हुआ है कि दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल एंड द यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ के बच्चे NIRC में अपना फॉर्म वगैरह सबमिट करेंगे। कोई भी फॉर्म सबमिट होना होगा वो यहीं पर सबमिट होगा इन स्टूडेंट्स के लिए। और अगर इनके कुछ लाइक स्टडी सेंटर्स जो होते हैं लोगों के लिए, लाइक नॉर्थ रीजन ने बहुत सारे स्टडी 98 से ज़्यादा स्टडी सेंटर्स हैं लाइक CMA इंस्टीट्यूट के, तो नॉर्थ इंडिया के भी कुछ हैं स्टडी सेंटर्स, तो वो इन इन स्टेट में शायद एक एक होता है हर जगह। तो वो स्टडी सेंटर्स पे आपको क्लासेस वगैरह प्रोवाइड कराई जाती हैं अगर आप ओरल कोचिंग के लिए अप्लाई करते हो, वहीं पे आपको कंप्यूटर ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो इन यहाँ पे पूरा एड्रेस दिया है कि ये आपका एड्रेस है जहाँ पे आपको अपने पोस्टल पेपर्स देने हैं, मतलब कि पेपर्स पोस्ट कराने हैं। यहाँ ये वहाँ का लैंडलाइन नंबर वगैरह है, फैक्स नंबर दे रखा है और उनकी मेल आईडी दे रखी है। अगर आपको कोई इशू होता है तो आप इस मेल आईडी पे मेल कर सकते हो, या फिर एक दूसरी भी होती है study@ICMA.in एक मेल आईडी होती है, आप वहाँ पे भी मेल कर सकते हो अगर आपको कोई क्वेरी होती है। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड विद मी, सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।